भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाः मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाक्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद अब योगाभ्यास में प्रवेश करते हैं। आज मैं प्रभात में उठा तो कुछ विचार जीवन के कुछ बड़े निर्णयों के संबंध में उठे और उन विचारों को आप हर दिन देखते हैं कि मैं जो है ये डायरी इसमें कुछ नोट करके लाता हूँ तो सुबह उठ करके करीब 15-20 मिनट में चिंतन करता हूँ कि मुझे आपको प्रसाद के रूप में जो भी देना है उसकी 2-3-4-5 कुछ बिंदु तय कर लेता हूँ और फिर उसको आप तक संप्रेषित करता हूँ जो भी ईश्वरीय प्रेरणाएं हैं मानव के उत्कर्ष के लिए उत्थान के लिए उसके अभ्युदय निश्रेष के लिए इस समष्टि में दिव्यता शुभ का कैसे आधान हो उसके लिए जो भी भाव प्रेरणाएं अंदर से उठती हैं वो आप तक फिर उसको बांटता हूं शेयर करता हूं। इसमें एक बात सबसे पहली कि हमें कुछ निर्णय कर लेने चाहिए और वो निर्णय फिर हमारे हमें कभी वापस नहीं लेने चाहिए। फिर
जैसे मैं एक एक करके बात को कहता जाऊंगा कि मुझे आधा घंटा व्यायाम करना है, तो जिसने ये जिंदगी में निर्णय कर लिया, जो बुजुर्ग है वो सूक्ष्म व्यायाम कर पाएगा, जो जवान है मेरी तरह से दंड बैठक पूरा सूर्य नमस्कार वो सब कर पाएगा, लेकिन ये निर्णय फिर हमारा कभी भी टलना नहीं चाहिए, अटल रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। यहीं से शुरू करता हूं, फिर एक एक करके अपनी बात कहता जाऊंगा। मैंने देखा कुछ लोग ना किसी निर्णय तक पहुंचते ही नहीं, और कुछ लोग निर्णय तक पहुंचते भी हैं तो फिर उसको फॉलो नहीं करते कंटिन्यूअस। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वे अनुलोम विलोम कर लेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अनुलोम विलोम करेंगे बैठे बैठे बैठे, और जो जवान है मेरे साथ साथ सर्वांग आसन या शीर्षासन करेंगे, दोनों में से किसी एक आसन का चयन, सर्वांग आसन या शीर्षासन। जो ये दोनों नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कीजिए, 5 मिनट, आधा घंटे का व्यायाम है ये। और इस आधा घंटे के व्यायाम में शुरुआत हम शीर्षासन या सर्वांग आसन से कर लें, ये प्रधान आसन है सभी आसनों में से, इसको आसनों का राजा भी कहा जाता है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए अपनी अंतः शक्तियों को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। एक नियम बना ले कि मुझे आधा घंटा व्यायाम, जिसमें जवानों वाला मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, रोना भी नहीं चाहता, और जो बुजुर्ग हैं जिनके शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना मैं कर पाता हूं, तो वे इसमें सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जोगिंग तो सब कर पाते हैं, दंड बैठक सब नहीं लगा पाते, तो उस दौरान वो थोड़ा प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दें, आधा घंटे का करीब व्यायाम और 1 घंटे का प्राणायाम और ध्यान, ये सबको करना, ये हमारा निर्णय अखंड रहना चाहिए। लंबे गहरे श्वास चलते रहे और योग अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ करें, और यह नियम मैंने आपको बताया भी है कि जो भी हम एकाग्रता के साथ करते हैं उसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने पवित्रता और प्रसन्नता शब्द भी जोड़े। एकाग्रता, पवित्रता और प्रसन्नता के साथ जो भी आप जीवन में कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सब योग की श्रेणी में ही आता है। एकाग्रता के 2 बड़े अर्थ होते हैं। एकाग्रता का एक बड़ा अर्थ होता है भगवान के एकत्व में जीना, यह एकाग्रता का अर्थ। सबके मूल में भगवान को देखना और भगवान तक पहुंचने के लिए वेद शास्त्र और गुरु, इनको केंद्र में रखना, यह एकाग्रता। दूसरा एकाग्रता का भौतिक स्थूल अर्थ है कि जिस काम को करते हैं उसको पूरे तन्मय होकर के करें। जिस काम को करते हैं उसमें पूरे समाहित होकर, अभी आसन हो रहे हैं इसमें पूरे समाहित होकर के करें। भौतिक रूप से गुरु को दृश्य रूप में, और अदृश्य रूप में भगवान को, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष तो गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, और पूरी अस्तित्व में भगवान की रचना ऐश्वर्य के माध्यम से भगवान प्रत्यक्ष होता है।
ताकि तो वह परोक्ष ही रहता है, निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। जो लाभ शीर्षासन या सर्वांगासन से होता है वही लाभ अनुलोम विलोम से भी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा इसका विकल्प अनुलोम विलोम। कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं प्रेम से गा न सका। सब खड़े हो जाएंगे मेरे साथ, पूरी एकाग्रता से कर गुरु और भगवान को केंद्र में रख। जो गुरु आज्ञा, प्रभु की आज्ञा है, वेद आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। सब साधन थे मौजूद मगर दीप जला न सका। सब साधन थे मौजूद मगर सद ज्ञान का दीप जला न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। इतने उपहार दिए तुमने जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। इतने उपहार दिए तुमने जिनको मैं गिना भी नहीं
सकता। अफसोस फटी झोली अपनी सब पाकर भी कुछ पा न सका। अफसोस फटी झोली अपनी सब पाकर भी कुछ पा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। इतना हो सके उतना करना, अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं, इतना ही कर लो जितना बन पाए उतना करना, जो जवान है इतना बाकी इतना कर। मध्यम गति से करेंगे आज, जवान है तो तीव्र गति से भी कर सकते। शरीर पर हमारा पूरा नियंत्रण है, शरीर के इंद्रियों के मन के दासत्व में नहीं जीना, हम इनके स्वामी इनके दास इनकी गुलामी में पराधीनता में नहीं जीना, विजयी होना है शरीर के स्तर पर, इंद्रियों मन के स्तर पर और जीवन में। हम इंद्रो न पराजित, मैं किसी भी स्तर पर पराजित तो होने वाला नहीं। जीवन की उजली चादर को हर रोज अनेकों दाग लगे, जीवन की उजली चादर को हर रोज अनेकों दाग लगे। भगवान भजन के साबुन से चादर के दाग मिटा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। सदियों से प्यासा चातक हूँ एक बूंद की खातिर तरस रहा, सदियों से प्यासा चातक हूँ एक बूंद की खातिर तरस रहा। तुम बादल बनकर बरस गए फिर भी मैं प्यासा बुझ न सका। तुम बादल बनकर बरस गए फिर मैं भी प्यासा बुझ न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं भी लाभ उठा न सका, फिर मैं भी लाभ उठा न सका, मैं प्रेम का गीत न गा ले सका। लगभग 10 बार 11 बार आप कर लेते हैं तो सिरोनमस्कार से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। जिनका शरीर थोड़ा असक्त है वे पूरा ना कर सकेंगे तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जिस मैंने बताया उसकी मात्रा बढ़ा दें। और योगिक जोगी व्यायाम के बहुत तरीके योगिक जोगिंग करेंगे, कोई चलता है, कोई दौड़ता है, कोई तैरता है, कोई खेलता है, कोई जिम जाता है। सबसे श्रेष्ठ सात्विक संपूर्ण संतुलित, सबसे श्रेष्ठ सात्विक
संपूर्ण और संतुलित व्यायाम योग में ही जो आपको करवा रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब दंड बैठक भी होंगे इसके बाद, लेकिन जो दंड बैठक ना लगा पाए योगिक जोगिंग का समय बढ़ा दे और सूक्ष्म व्यायाम का समय बढ़ा दे लंबे लंबे श्वासों के साथ। थोड़ा समय करवाऊंगा आज, वो आधा घंटे में पूरे शरीर का पूरा श्रेष्ठ सात्विक संतुलित संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। हाथ पैर पेट पीठ शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के जो बड़ी बड़ी इकाइयां हमारे भीतर बड़े बड़े घटक हैं जो काम कर रहे हैं, इस शरीर को यदि बाहर जमीन पर किसी फैक्ट्री या किसी मशीन की तरह बनाया जाए तो कम से कम इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए आपको जितना इसके अंदर है सारा तंत्र, कम से कम 10 किलोमीटर की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। वो सब भगवान ने दे रखा, उसका सवाल की नहीं रखना। भगवान को कोसते रहते हैं, तूने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अरे भगवान ने तो सब कुछ दिया है। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं। जो बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे करना, ये बड़े बुजुर्गों वाला स्टाइल, ये बड़े बुजुर्गों वाला स्टाइल, और ये जवान लंबे लंबे श्वास पूरे एकाग्रता मस्ती से आनंद से। सदगुरु की शरण में सदगुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सदगुरु की शरण में, सदगुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा, अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू प्रभु के समीप आकर, एक बार देख ले तू प्रभु के समीप आकर। चहुं ओर से तुम्हारा, चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सदगुरु की शरण में भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर से ही निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा। तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे मिलोगे जब जब उसे मिलोगे प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में सदगुरु की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जितने जितना बन पाए आधा तो सब कर सकते हैं, ये बैठा पूरा तो जवान हो कर पाए, जो जितना कर पाए करो, आधा करो पूरा करो अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। अकर्मण नेता नहीं, न योग में न कर्म योग। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपाले मुर्दा नहीं जिएगा, कोई लाख सर खपाले मुर्दा नहीं जिएगा। चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सदगुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जो गुरु और भगवान की शरण में रहते हैं जीवन में कभी कोई दुख कभी कोई निराशा कैसे आ सकती है, आ ही नहीं सकती। दुख असफलता निराशा दरिद्रता क्या आ ही नहीं सकती। और अब बैठ बैठ करके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम। बैठो बैठो, आराम नहीं करना, आराम आराम है कार्यांतर ही विश्राम है। आपको भी इतना ही पसीना आया ना जितना मुझे आ रहा है। अब देखो 250 से 500 ग्राम पसीना आ जाता है,
आने में क्या दिक्कत है? अब दंड होगी, अब 12 दंड है। ऐसे तो बहुत तरह के हैं, मैंने 12 को ही चुना है, सेलेक्ट किया है। इसमें एक जो प्रोटोकॉल बनाया है, सबको हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करने, खबरदार कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ या तो सूक्ष्म व्यायाम कीजिए या मेरे साथ ये 12 दंड लगाइए। अब मैं एक एक दंड को 5 बार और जो दोनों दिशाओं से की जाती है उसको 10 बार करूंगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक श्वास में एक अभ्यास, एक से दूसरे दंड के बीच में 1 से 2 लंबे गहरे श्वास ले सकते हैं। पूरे आनंद से, मस्ती से, भोग में मस्ती नहीं मेरे भाई, योग में मस्ती। भोग की बात तो रोग दुख दरिद्रता अशांति, योग की बात सुख शांति समृद्धि आनंद मजा है, असली जी मस्ती है। एक श्वास में एक प्राणायाम भी हो रहा है साथ में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागत है मोल, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागत है मोल, तेरा तुझको सौंपता, जो होवत सो तो। तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से गुरुवर, फिर क्यों तेरी दया से मालिक, मैं तो रहूं महरूम। तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। केवल कानों सुनी नहीं है बात है आंखों देखी, जहां जहां दरबार तुम्हारा फिर है लाखों देखी। केवल कानों सुनी नहीं है बात अनोख देखी, जहां जहां दरबार तुम्हारा भीड़ है लाखों देखी। गांव गांव और शहर शहर में, गांव गांव और शहर शहर में आया मैं तो घूम। तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से गुरुवर, फिर क्यों तेरी दया से मालिक, मैं तो रहूं महरूम। तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम।
नहीं तो मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, योग बढ़ेंगे, दुख बढ़ेगा। योग कर लो। अरे हारे का तू बने सहारा, निर्धन को है दौलत दे, निर्बल को बल दिया है तुमने, लाखों को है शोहरत दे दी। हारे का तू बने सहारा, निर्धन को है दौलत दे दी, निर्बल को बल दिया है तुमने, लाखों को है शोहरत दे दी। सब सुख पाया जिसने तेरी, सब सुख पाया जिसने तेरी, चौखट ली तेरी धूम, तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से मालिक, फिर क्यों तेरी दया से गुरुवर, मैं तो रहूं महरूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। हरदम रहते साथ भक्त के, पल पल लाज बचाते हो धूप में बनकर। और अब सरपा दंड फिर मिश्र दंड, लंबे लंबे श्वास, आप अपने सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए, और कुछ नहीं तो लंबा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। हरदम रहते साथ भक्त के, पल पल लाज बचाते हो धूप में बनकर, शीतल छाया अमृत रस बरसाते हो। हरदम रहते साथ भक्त के, पल पल लाज बचाते हो धूप में बनकर, शीतल छाया अमृत रस बरसाते हो। तू ही मेरा सतगुरु साहिब, तू ही मेरा, तू ही मेरा सतगुरु साहिब, तू ही मेरा मखदूम, तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से मालिक, फिर क्यों तेरी दया से मालिक, मैं तो रहूं महरूम, तेरी धूम मची है धूम, 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 तेरी धूम तेरी धूम मची है धूम। आपने भी मेरे जितना ही किया ना व्यायाम, कितना बताया था? आधा घंटा पूरा हो गया। अब बता, जैसे आधा घंटा व्यायाम कर लेगा, एक घंटा प्राणायाम ध्यान के साथ करना, उसका जीवन दिव्य जीवन हो जाएगा, आदर्श जीवन हो जाएगा, महान, ग्रेट आइडियल, डिवाइन लाइफ के लिए। रोज एक घंटा प्राणायाम ध्यान, आधा घंटा व्यायाम, ये करो।
जिनको रोग है उनके लिए हमने एक अलग व्यवस्था दी हुई है। रोगोपचार की दृष्टि से पैकेज बता रखा है ना आपको। चलो सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। कहने को सूक्ष्म है लेकिन इसमें शरीर के एक एक अंग का बहुत जबरदस्त व्यायाम होता है। करके देखो, थोड़ा आज मैं ध्यान ज्यादा करवाऊंगा। एक घंटे के बजाय डेढ़ घंटा प्राणायाम और ध्यान कराएंगे। चलो पहले थोड़ा अंगुलियों घुटनों को आगे पीछे दबा लो, 10-10 बार कर लेना सूक्ष्म व्यायाम। जिनको जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, शरीर में काफ़ी तकलीफ है, कठिन व्यायाम नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम बढ़ा लें, 25-25, 50-50 बार कर लें। लंबे लंबे श्वास, अब मैं पूर्ण मौन होकर के करता हूँ, आप भी मुझे देख देख के करते जाना, ठीक है? लंबे लंबे श्वासों के साथ कैसे करना है एकांत में मौन रह करके, ऐसे गोल घुमाइए। गुरु शरण में, प्रभु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। एक बार भगवान की शरणागति ली, गुरु की शरणागति ली, फिर बस लंबा गहरा श्वास। गुरु से विमुख नहीं होना, भगवान से विमुख नहीं होना। लंबा लंबा श्वास करेंगे सर, पूरी एकाग्रता से। गुरु को नित वंदन करो, हर दिन है गुरुवार। गुरु को नित वंदन करो, हर दिन है गुरुवार। दूसरी तरफ से, गुरु ही देते शिष्य को निज आचार विचार। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। चंदन के संग अन्य वृक्ष भी चंदन सम कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। चंदन के संग अन्य वृक्ष भी चंदन के संग अन्य वृक्ष भी चंदन सम कहलाए। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर बंद क्या से क्या बन जाए। इतना पसीना टपकता है आंखों में भी अंजन हो जाता है। लकड़ी के सम भारी लोहा पानी तैर जाए। लकड़ी के सम भारी लोहा पानी में तैर जाए। दूध में भी पानी मिलकर दूध ही कहलाए। पारस को छू कर लोहा भी पारस को छू
ठोकर लोहा भी कंचन खरा कहाए, गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए, गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए। लंबा गहरा श्वास, गुरु बिन धन दौलत पाकर भी जीवन में कल्याण नहीं, गुरु बिन धन दौलत पाकर भी जीवन में कल्याण नहीं, परम शांति सुख का अभाव है जब तक गुरु का ज्ञान नहीं, बिना गुरु की शरणागति के, बिना भगवान की शरणागति के, बिना ज्ञान के, बिना योग के, बिना धर्म के, बिना सत्य के, बिना सेवा के जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती। पैसे मिल जाएंगे लेकिन पैसे से बिस्तर तो खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे? पैसे से आप मकान तो खरीद लोगे, चैन कहां से लाओगे? दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, इससे चैन नहीं मिल सकता, इससे साधनों से पूरा सुख नहीं मिल सकता। क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, कुछ पल के लिए सुखी, फिर जिंदगी भर के लिए सुखी। इसलिए पूरा सुख तो उन्हीं को मिला जिन्होंने गुरु की, भगवान की, योग की, धर्म की, सत्य की, सेवा की, न्याय की, सब आत्मा की शरण, आत्मा वर्य दृष्ट आत्म साक्षात्कार, प्रभु साक्षात्कार। गुरु बिन धन दौलत पाकर भी जीवन में कल्याण नहीं। दोनों हाथ के उंगलियों पर चलो, कर लीजिए आराम, आराम से कर लीजिए। न वित्तीय न तर्पण यो मनुष्य भोगान भुक्ता वही में भोग, कृष्णान जीवन वही में। जैसे हवन कुंड में अग्नि में जितना घी डालते उतनी आग और तीव्र होती जाती है, ऐसी हमारी वासनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की, कामनाओं की लॉस्ट हमेशा अविवेकपूर्ण इच्छाएं कभी पूरी होती है और जीवन पूरा बर्बाद। गुरु बिन धन दौलत पाकर भी जीवन में कल्याण नहीं, परम शांति सुख का अभाव है जब तक गुरु का ज्ञान नहीं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहलाए, गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए, गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए। सिद्धासन सबसे अच्छा है, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर की कुंडली में जगह पैर के बीच में दाहिने कपन जाए, सीधे बैठ के लंबे गहरे श्वास लें, गुरु
गुरु और भगवान को बस सर्वोच्च स्थान पर रखना, फिर आगे बढ़ते यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है, सत्य मार्ग, कल्याणकारी मार्ग। दयानंद के एक शब्द ही दुर्गुण दूर भगाए। अमीचंद नाम का ही भक्त था, बहुत सुंदर कविताएं गाता था, स्वर बहुत अच्छा था, दिल बहुत अच्छा था, भाव बहुत अच्छे थे, परंतु दुराचार में, व्यभिचार में और बहुत से पाप कर्मों में फंसा हुआ। तो एक दिन महर्षि दयानंद के सामने आकर के अमीचंद ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। महर्षि दयानंद ने तो प्रभावित हुए, इतना आनंद आया महर्षि को, बोला अमीचंद तो है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है, बस एक वचन कहा गुरु ने और उसी दिवन दिन से पूरा जीवन ही बदल रहा है। ऐसी होती गुरु की भक्ति, यह है गुरु की शरण। बस एक बार गुरु का आदेश हुआ और बस अब वही करना है जो गुरु का आदेश है, जो शास्त्र का आदेश है, वेद का आदेश है। गुरु के मार्ग से, शास्त्र के, वेद के, धर्म के, सत्य के, न्याय के, योग के मार्ग से मुझे नहीं हटना, बस इसी पर चलना है। फिर विचलित नहीं, भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं। दयानंद के एक शब्द ही दुर्गुण दूर भगाए। सद्गुण धारे अमीचंद ने ऋषि भक्ति पद गाए। सद्गुण धारे अमीचंद ने ऋषि भक्ति पद गाए। सत्संग की पावन गंगा में, सत्संग की पावन वन गंगा में नित उठ गोता लगाए। गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मन क्या से क्या बन जाए। चंदन के संग अन्य वृक्ष भी, चंदन के संग अन्य वृक्ष। आई अभी गई चंदन सम कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। पारस को छू कर लो खरा कहाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदा मायात नास्त्याकृता कृतेना तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे सम्यक् पाणिः श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु सत्ता की, भागवत सत्ता की शरणागति ही जीवन में उद्धार कर सकते। भस्त्री का प्राणायाम ऐसे 5 मिनट का मेरा भावपूर्ण हृदय से पंचकोशों का, 5 प्राणों का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, शरीर की एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के पूरे अस्तित्व का पूरा पोषण हो जाता है भस्त्रिका से। पूरा देह प्राणिक ऊर्जा से, प्रणव की ऊर्जा से प्रकाशित हो जाता है। भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से। इसी भावचेतना के साथ, इसी श्रद्धा के साथ करना, और श्रद्धा से
हमारे भीतर वीर्य बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता, उत्साह बढ़ता, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्व कई तरेषा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम् लब्ध्वा परः शान्तिम् अचलेनाधिगच्छति। नहि जानी सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः, कालेनात्मनि विन्दति। पूर्ण समर्पण, प्रभु दर्शन की गहरी अभीप्सा, अभीप्सा त्याग और समर्पण, यही तो भगवान के पथ पर आगे बढ़ने के साधन। अभीप्सा एस्पिरेशन, त्याग, अशुभ का रिजेक्शन, समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। प्रभो तेरी शरणागति, तीव्र संवेगानाम आसन्ना ईश अपने धानात्म तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास ध्यान हे आस्तद प्रत्यय। प्रभो तेरी लंबे गहरे श्वास, वस्त्रिका के बाद कपाल भाती, ये सहज गति है, एक मिनट में 40 बार। एक मिनट में 60 बार, ये मध्यम गति है। दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपाल भाती प्राणायाम, 1 second, 1 stop। ये तीव्र गति है, जो पूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, योगी है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए ना। और फिर हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान। वैसे तो एक बार ओंकार का ध्यान किया और बस उसी में खो गए, ओंकार मैं हो गए, प्रभु मैं हो गए, ब्रह्म के साथ स्वयं ब्रह्म हो गए। अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म शिवोहम् शिवोहम् अहम् ब्रह्मास्मि। प्रभु तेरी, प्रभु दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। भगवत शरणागति कपाल भाती भाव से करने से, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। सब आए शरण तुम्हारे,
हम सब आए शरण तुम्हारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, सुन लो भगवन विनय हमारे, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। बिना पुरुषार्थ की कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं होती है, इसलिए यदि चाहते हो कि हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण हो तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य शर्त है। प्रेयर्स हमारी कंडीशन के साथ पूरी होती है और उसके लिए है हार्ड वर्क, पूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में प्रार्थना स्वतः घटित होती है बिना याचना के। इसलिए मैं कहता हूं बार बार भगवान की थालियों को, अधिकारियों को देता, अपने भीतर पात्रता पैदा करो। कृपा करने के लिए तो प्रभु तैयार है, वो तो बाट जो रहे हैं कब से हमारे, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, अपना संपूर्ण वैभव, अपना संपूर्ण ज्ञान, सुख शांति आनंद देने के लिए, जैसे माँ ता पिता गुरु अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, अपने बेटा बेटियों को अपना सब कुछ उड़ेलने के लिए, उनको अपना सब कुछ अर्पित समर्पित करने के लिए देने के लिए तैयार है, ऐसे ही भगवान बड़ी कृपा करते हैं। एक कदम उधर बढ़ाओ तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा, सबको तेरा मिले सहारा, सकल गुणों की खान हम पर दया करो, सकल गुणों की खान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, इंद्रम वर्धन तप्तरह कणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नंतो अरावणे, ये वेद का आदेश, ये भगवान का विधान, भगवान का संदेश हम सब जीवन के लिए।
अपने आप को पूर्ण रूप से आर्य बनाए, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर, मन बुद्धि चित्त के स्तर पर, अपने भीतर अनार्यत्व तो नहीं होना चाहिए, अदेवत्व तो नहीं होना चाहिए, असुरत्व तो नहीं होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए, दुर्गुण दुरित नहीं होना चाहिए, भीतर कोई दुर्बलता पराधीनता, अपने भीतर समग्रता से आर्यत्व हो और इस पूरी सृष्टि में आर्यत्व शुभ देवत्व भगवत्ता का हमें आधान करना है, इसी के लिए तो जीवन है। सवाल करते हैं आर्य बनाए, वैदिक ज्योत जलाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब ऋषि ऋषिकाओं की जय, सब वीर वीरांगनाओं की जय। हमेशा भगवान को अपनी आंखों के सामने रखना, गुरुओं को अपनी आंखों के सामने रखना, और मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ऋषि हूं, ये चिंतन निरंतर बना रहे और इस उच्च चेतना से नीचे नहीं आना, इस डिवाइन कॉन्शियस से, इस हायर कॉन्शियस से नीचे नहीं आना, उच्च चेतना से नीचे आना ही नहीं, निम्न चेतना में नहीं जीना, अनुलोम विलोम। कपालभाति करते करते थक जाओ ना, ऐसे 10-15 मिनट किया कपालभाति तो किसी किसी को पेट में थोड़ा सा ऐसे पीड़ा होने लगती है, तो अनुलोम विलोम। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी सह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग, तेरे यहां कभी नहीं प्रभु, तूने मेरी हैसियत से, औकात से, शक्ति से, सामर्थ्य से, मेरी पात्रता से ज्यादा मुझे सदा दिया, इसलिए कुछ नहीं मांगता, बस प्रभु तेरी शरणागति में रहो। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते कशिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवायः विशाभिते। लंबा गहरा श्वास, जितना लंबा हो सके। तेरे दया से हे प्रभु कौन सी शय मिले नहीं, झोले ही मेरे तंग है, तेरे दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, झोले ही मेरी तंग है, तेरे
एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं, विराम नहीं, निरंतरता से करना हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान। प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति के साथ करना, लय के साथ करना, करो करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। जीने को जी रहा हूं मैं मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, जीने को जी रहा हूं मैं मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। पल अपने भीतर देवत्व घटित हो रहा है, 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, अष्टचक्र नौ द्वारों में दिव्य शक्ति का जागरण हो रहा है, देह देवालय शिवालय बन में ऋषि ऋषिका के रूप में तैयार हूं, ऐसी भाव चेतना देवत्व में आ रहा है, शुभ में आ रहा है। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, कब से पुकार है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, झोले मेरे तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। मैं गरीब
गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ। फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं, मुझसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शह मिली के साथ कम से कम 15 मिनट, और जो चाहते हैं कि उनके असाध्य रोग एसएलएमएस अटमन डिजीज कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो जाएं, तो आधा से एक घंटा तक कर सकते। जिनके बॉडी के सेल्स डीजनेट हो चुके हैं उनके सेल्स रीजनेट होने लग जाते हैं आधा से एक घंटे। दोनों हाथों को कंधों पर रख लीजिए और कपालभाति अनुलोम विलोम, आधा से एक घंटा करने से तो पूरा रूपांतरण परिवर्तन, बहुत स्थूल शब्द है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कुछ माइनर चेंजेस करते हैं ना, उनको भी परिवर्तन कह दिया जाता है। चेंज, चेंज इज नॉट अवर अल्टीमेट गोल, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, समग्र रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण, भागवत रूपांतरण, ये हमारा लक्ष्य। देखो कपाल भाति भी ऐसे, वैसे तो एक क्षण में ध्यान लग जाता है, शेष तो उसकी निरंतरता है। अब जीवन को बदलने के लिए तो एक क्षण ही पर्याप्त है। कपाल भाती कीजिए आप, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूं सिद्धासन में, और
ऐसे डेढ़ दो घंटा मैं आराम से बैठ सकता हूँ। आपका भी एक आसन में भी ऐसे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। हम जरा सा कष्ट होता है आसन बदल लेते हैं, जरा से कष्ट होता है जीवन में दिशा बदल लेते हैं, जरा से गुरु मार्ग पर, वेद मार्ग पर, सत्य धर्म न्याय योग के मार्ग पर चलते हुए कोई कष्ट आया मार्ग ही बदल लिया, जरा से कोई प्रतिकूलता आई संबंध खराब कर लिए, संबंध तोड़ लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जीवन में धैर्य, ये धर्म का पहला लक्षण है। मेरे साथ बोलेंगे सभी, धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कपाल भात, धी धृति स्मृति, ये डिगनी नहीं चाहिए थी ना। धी माने विवेक, हर काम को विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण इच्छाएं, विवेकपूर्ण काम। पति पत्नी के बीच में जो काम संबंध है ये विवेकपूर्ण है, और विवाहेतर यौन संबंध ये पाप है, अधर्म है, नीच कर्म है, ये असुरत्व है। विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात भी विवाहेतर यौन संबंध ये पाप है, अधर्म है, नीच कर्म है, वो कभी सुख नहीं पा सकते जीवन में, उनको अनंत नरकों को भोगना पड़ेगा, अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। जो विवाहेतर एक बार जिनके साथ आत्मसंबंध स्वीकार कर लिया, फिर ये उनके साथ विश्वासघात है, उनके साथ धोखा है, उनके साथ छल है, पाप है, नीच कर्म है, अधर्म है। विवेकपूर्ण काम, विवेकपूर्ण क्रोध, बुरे कामों पर क्रोध, अन्याय पर क्रोध, अधर्म पर क्रोध, माने मन्यु शौर्य पराक्रम होना चाहिए, वह अन्याय को समाप्त करने के लिए। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता। विवेकपूर्ण काम, विवेकपूर्ण क्रोध, विवेकपूर्ण लोभ, सत्कर्मों के लिए लोभ, सेवा के लिए लोभ, धर्म के लिए लोभ, पुण्य के लिए लोभ, अविवेकपूर्ण लोभ ना, काम क्रोध लोभ मोह, मोहमन ममत्व करुणा वात्सल्य, विवेकपूर्ण सब कुछ, विवेकपूर्ण हो जीवन में, विवेकपूर्ण तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाना, सुंदर बनाना, सुडोल आकर्षक बनाना, प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए है ये देह है, तो सुंदर बनाओ इसको, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को रिझाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए। विवेकपूर्ण शरीर को सुंदर बनाना, स्वस्थ बनाना, सुडोल आकर्षक बनाना, एक एक मांसपेशी तुम्हारी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, अपनी वासना को या अन्य की वासना को बढ़ाने के लिए नहीं। विवेकपूर्ण तरीके से खाना, सोना, बैठना, उठना, जीना, ये योग है। धी धृति, विवेक हमारा स्थिर रहना चाहिए। जब हम गुरु की शरण में होते हैं, शास्त्र की शरण में होते हैं, स्वाध्याय कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, तब तो ठीक है। जैसे ही गुरु की शरण से थोड़ी दूर गए, फिर बहक जाते हैं ना। एक बार जो निश्चय किया, फिर वो अटल रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, अविचलित होकर के। गुरु जी कह रहे थे ना, श्रद्धा खंडित विभक्त नहीं होनी चाहिए। जो विभक्त है वो भक्त कैसा ना, विभक्त नहीं, भक्त कैसे विभक्त हो सकता है। कपाल भाती करो लय के साथ, और देखो तो बताइए, योग कमार वो कहीं पर भी बाधा नहीं,
मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियां जाग रही हैं और देह देवालय शिवालय बन रहा है। पूरे के पूरे होकर के करना। धी धृति स्मृति नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम् तव। पहले अर्जुन बोल रहा था मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध। विपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जाए, नहीं शक्नोमि अवस्था तो भ्रमति हो चले, मेरा मन भटक रहा। गांडीवम संस्रते हस्ता तक चाहिए पड़े दैयत, मैं नहीं करूंगा युद्ध। और जब अपने स्वरूप का अपने स्वधर्म का बोध कराया भगवान ने तो कहा नहीं, अब मैं जो गुरु आदेश है भगवान का आदेश है बस करिष्य वचनम। तो नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध है मुझे अपने स्वरूप की स्वधर्म की स्मृति। स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हूं अपने स्वरूप में। धी धृति स्मृति, इन तीनों का अभाव ही प्रज्ञा अपराध है। कपाल भाते करो और भगवान की भक्ति में खो करके करो। इनका ध्यान तो एक क्षण में लग जाता है, बाकी तो बस जहां जिसकी जैसी भाव चेतना है वहीं से यात्रा शुरू कर दो। कुछ कहते हैं भगवान कहां है, कैसे मन लगाए, नजर नहीं आता। मैंने आपको बार बार संकेत किया इस बात कि भाई भगवान कहां नहीं है, किसमें नहीं है, ये सारा अस्तित्व भगवान ही का तो ऐश्वर्य है, भगवान ही का तो मूर्त रूप है, भगवान ही का तो प्रत्यक्ष है, सब जगह प्रत्यक्ष है, फिर भी कहते हैं दिखता नहीं है। अरे भाई चारों तरफ एक ही ब्रह्म है। हाँ, लेकिन इसके लिए कोई समर्थ गुरु का आश्रय चाहिए, नहीं तो ब्रह्म दिखता, ब्रह्म दिखता, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। जब सदगुरु की शरण मिली तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, ये पिंड भी ब्रह्ममय है। और फिर भगवान के साथ एकाकार होकर के कपाल भाति करो, फिर देखो जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो। मैं कह रहा था पूरा रूपांतरण घटित हो। मुख कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुख कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुख कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में
ना मस्जिद में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में साथ करते रहिए रुकना नहीं किसी को यहां से बंद करके भाव से मूलाधार से सहस्त्रार तक अंत शक्तियों की जागरण का संकल्प नहीं प्राण में ना पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में ना ही प्रण में ना पिंड में ना ही प्राण में ना ही पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में ना मैं त्रिकोटि भंवर में ना मैं त्रिकोटि भंवर में हर श्वासों के श्वास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में दृष्टि से इन चर्म वाले चक्षुओं से प्रभु का मर्म पता नहीं लगता चर्म वाले चक्षुओं से प्रभु का मर्म पता नहीं लगता जब गुरु के अनुग्रह से शास्त्रों के अध्ययन से और भागवत कृपा से भीतर के चक्षु खुल जाते हैं तो फिर सब कुछ ब्रह्म में ही फिर ब्रह्म के सिवा और है ही क्या सब कुछ ब्रह्म में भगवान का ही ऐश्वर्य पिंड ब्रह्मांड सब कुछ और जब ऐसी भाव चेतना के साथ प्रणाम करेंगे ध्यान करेंगे तो हम स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे खोजी को मैं झट मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में खोजी को मैं झट मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं श्रद्धा विश्वास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में भगवान सदा हमारे पास फिर भी हम उसका पता पूछते रहते हैं कहाँ जिससे कोई अपने घर में रहे और घर का ही पता पूछते अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीयति
भगवान सदा हमारे पास, उसी के अनुग्रह से एक एक सांस चल रहा है। हर रचना के पीछे वो रचयिता है, बस इस भाव चेतना में सदा निरंतर जीना। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है और इसके पीछे वो भीतर वो अमूर्त है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है, ये भगवान के सगुण साकार उपासना है और इसके पीछे वो अमूर्त है, ये भगवान की निर्गुण उपासना है, निराकार उपासना है। बस यही भगवत ज्ञान है, यही भगवत दर्शन है, यही भगवान का प्रत्यक्ष है, भगवान का साक्षात्कार है। देखो ऐसे जीना है सबको, और ये इतना सरल सहज मार्ग है, फिर भी कितने लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। मुझे ये गुरु करना है, मुझे वो गुरु करना है, मुझे ये तीर्थ करना है, मुझे वो तीर्थ करना है, मुझे ये व्रत करना है, मुझे ये अनुष्ठान करना है, मुझे ये तप करना है, यही जप है, यही तप है, यही व्रत है, यही अनुष्ठान है, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। कि बस एक बार ये दृष्टि धारण कर ली, फिर बस इस दृष्टि से नीचे नहीं आना, ये माइंड सेट होना चाहिए एक साधक का। और आप सब भाई बहनों को, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को, आप सब चाहे गृहस्थ हैं, चाहे वानप्रस्थ हैं, कुछ सन्यासी हैं, आप किसी भी वर्णाश्रम धर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस चेतना से नीचे नहीं आना, हमेशा ब्रह्म भाव में रहना। तो आज सब संकल्प करके जाओ, आज पूर्णाहुति है ना शिविर की तुम्हारी, और इस बार की गुरु पूर्णिमा में आपको स्वयं गुरु का प्रतिरूप हो करके, ऋषियों का प्रतिरूप हो करके, भगवान का प्रतिरूप हो करके, प्रतिनिधि हो करके जीना है। इसके लिए आपको यहां बुलाया, तब तुम्हारा यहां आना, यहां योगाभ्यास करना, यहां तप करना, यह सफल हो जाएगा। ये माइंडसेट होना चाहिए, और इस माइंडसेट के साथ मैं जीता हूं, और जो ऐसे ही जीता है वही मेरा शिष्य है, उसी से मेरा संबंध है, बाकी मेरा कोई संबंध नहीं। जब तुम इस संबंध में नहीं जीना चाहते तो फिर क्या जिएंगे हम, फिर तुम्हारे साथ क्या जिएंगे, तुम्हारे संबंध। यह आत्म संबंध है, यही ब्रह्म संबंध है, यही दिव्य संबंध है, और इसी से जीवन दिव्य बनेगा। सासों में, बहू में, माता में, पिता में, गुरु में, पुत्र में, मित्र में, पशु में, पंछी में, चंडाल में, असुर में भी भगवान दिखे, वो है, वो सच्चिदानंद स्वरूप सब में, तो फिर उसका संहार क्यों करते हैं? उसका संहार उसके उद्धार के लिए करते हैं कि अब इसमें असुरता इतनी आ गई है कि अब उपदेश से इसका कल्याण नहीं हो सकता, तो चलो इसका मोक्ष ही कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, ऋषियों ने उनका मोक्ष किया, ब्रह्म भाव से किया। वो हत्या नहीं है, वो हिंसा नहीं है, वो क्रूरता नहीं है, वो प्रेम है, वो करुणा है। ये दिव्यता, इसको समझो और इसको जियो। और आप में से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास समय एक एक घंटा का पाल भाते हैं, अनुलोम विलोम क्या करो, मस्त से आनंद से। अब बताओ भगवान का दर्शन समझ में आया कि नहीं आया, हा? आया? आया? ये ऐसे भगवान का दर्शन है, बंद आंखों से, खुली आंखों से दिखता है भगवान। बोले मामा जी, तो ऊपर ऊपर से तो ऐसे रंग रूप दिखते हैं, ये रंग, ये रूप, ये सब भगवान के, सब रचना में
रचयिता को, सब स्वरूपों में भगवान के स्वरूप को, सब संबंधों में भगवान के संबंध को, सब सुखों में भगवान के सुख को, सब सफलता में भगवान ही की सफलता को, सब समृद्धि में भगवान ही की समृद्धि को, सब ऐश्वर्य में भगवान ही के ऐश्वर्य को, सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म को, ये दिखता है। इसके लिए बस श्रद्धा चाहिए, एक भाव चाहिए। और देखो, बिना भाव के तो क्या है? अभाव। अभाव में नहीं जीना, भाव में। फिर भाव बंधन कट जाएंगे। चलो, कपालभाति करें। कितनी देर करना है? आधे से एक घंटे करना है। और फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम। आज थोड़ा एक होता है ये भगवान का मूर्त ध्यान, ये तो आंखें खुली हों बंद हों हर समय होता रहता है 24 घंटे। एक फिर जब एकांतिक ध्यान करते हैं तो फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है अपने हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति हृदयेषात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुषोऽयंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। त्रिबंध के साथ करना है इसे।
मैंने आइडियल प्रैक्टिस के लिए बोला था लगभग 15 सेकंड में सांस भरना, करीब आधा मिनट रोकना और 15 सेकंड में बाहर निकालना, 15 सेकंड में भरना, 30 सेकंड अंदर रोक के रखना, 15 सेकंड में बाहर छोड़ना है, गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग स्लीप अपने आदि के लिए। अच्छा देखो, दो शब्द मैं बार बार बोलता हूँ, व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, बस ये योग का लाभ है। व्याधियां कई तरह की हैं और समाधि की भी कई स्टेजेज हैं, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस योग को पूरी श्रद्धा से करना, ठीक है। अब अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, लय के साथ करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। मैंने बार बार कहा जो करें उसमें पूरी समाहित हो करके करें, एकाग्रता से करें। एकाग्रता के दो अर्थ बताए मैंने, एक तो जिस काम को करते हैं उसमें पूरी समाहित हो करके करें, उसमें पूरे खो गए, रुकना नहीं, अनुलोम विलोम लय के साथ, और प्रभु तेरी शरण, तेरी शरणागति, प्रभु तेरी शरण। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी गुरु से, भगवान से, योग से, धर्म से, सत्य से, सत्कर्म से, सेवा से विमुख न होना। सब लय के साथ करना, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, थक जाए चाहे तभी अभ्यास होगा, आसन हटना नहीं चाहिए, दुखने दो। ये जवानों के लिए बता रहा हूं जिनको घुटनों में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर में कष्ट है, उनके लिए नियम नहीं है ये। अभ्यास तभी होता है जब थोड़ा कष्ट होता है, होने दो, अनुलोम विलोम, थोड़ा कष्ट भी हो तो होने दो। और जिनको व्याधि है उनको ये तो हटाना ही नहीं है, करते रहो, थोड़ा हाथ का आलंबन ले लो और लयबद्ध होकर के करना है। किसी को भी रुकना नहीं, हम भगवान को तलाशते रहते ना, भगवान को तलाशने वालों अपने आप को तराशो, भगवान तो तुम्हारे पास है, बाहर भीतर वही है। अनुलोम विलोम, आइए प्रार्थना के साथ करेंगे, रुकना नहीं है किसी को, आज ध्यान के साथ करो ये अनुलोम विलोम। ध्यान कैसे होता है, मैं कह रहा था ना, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है, ये पिंड भगवान का मूर्त रूप है और इसके पीछे वही अमूर्त है, बस यही भगवान का ध्यान है, यही भगवान का ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही पराविद्या है, यही प्रभु का दर्शन है। अनुलोम विलोम, रुकना नहीं, मेरे साथ साथ करते रहिए। तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तू तो सदा मेरे पास था, जान ही नहीं पाया, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुम, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया
लगता गिर गहवर में नगर नगर में डगर डगर नगर नगर में डगर डगर में नगर नगर में डगर डगर में फिरा भटकता गिर गहवर में नगर नगर में डगर डगर में आटन में वाटन में घाटन में विथिन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में घरों में दीवारन में देहरी दरे चन में हिरन में हरन में भूषण में तन में हिरन में हरन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोधन गोवालन में गोवन में गावन में दामनी में घन में जित देखो जित मोहे प्रभु ही दिखाई दे तो प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन प्रभु मेरे छाए रहो भटकता गिर गहवर में नगर नगर में डगर डगर में डगर डगर में नगर नगर में डगर डगर में किंतु पास मेरे तुम हरदम मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुझको पहचान न पाया मैं तुझको रवि शशि से पदार्थ चमकाए अन्य औषद फल फूल उगाए अन्य औषद फल फूल उगाए अन्य औषद फल फूल उगाए रवि शशि से पदार्थ चमकाए अन्य औषद फल फूल उगाए विविध रंगों के फूल लगते फविले कैसे अलवेली प्रकृति नटी की हर साड़ी के जान चक्षु खोल प्रभु महिमा या पार लखो है न सारे कुत के चितने अनाड़ी के है न सारे कौतुके चितने अनाड़ी के है न सारे कौतुके चितने अनाड़ी के बिना गाड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के रवि शशि से पदार्थ चमकाए अन्य औषध फल फूल उगाए औषध फल फूल उगाए अन्य औषध फल फूल उगाए तुम समान इस जग में कोई दाता दया निधान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको जल से धोया मल मल करतन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन जल से धोया मल मल करतन धोया नहीं कभी कलुषित मन अरे धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन अद्भुत गात्राणी शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति जल से धोया मल मल करतन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन मन से न मन सन सच में प्रकाश कोई सच्चा मित्र मन सन और कोई शत्रु हुड़ दंगा है मन से ही रीत बीत मन से ही शांत गीत मन से ही कला है कपट देश दंगा है मन से ही कला है कपट देश दंगा है मन से ही कला है कपट देश दंगा है
मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है मन हला चीज तो मरीज कोई चीज नहीं मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है जल से धोया मल मल तरतन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया नहीं कभी कलुषित मन धुल जाते त्रय ताप जान की गंग में कर स्नान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् केन त्यक्तेन भुञ्जिताग्रधाकस्य स्विद्धनम् अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता शिशु की बोली में कोकिल की मधुर फूकों प्रेमी पपीहा की पीपी मयूर भूकों में शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन सुंदर नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में हीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो नाच सबको ही नित नए नचा रहा है जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को दे दी है जिसने चपलता व चमक बिजली को ईख को दी मिठास और खटास इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को रीच के तन पे किया पिटिया वालों का चोगा उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा सिर्फ कुक्कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने छिप कैसी चमकती आंख बनाई कैसी बीच में रख दी है तबले जैसी स्याही कैसी मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया गया नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया गया पर जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले में नाम को भी जिसने जलाया नाम साल दिया अंधेरे घर में बैठ वाह क्या कमाल किया जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है जिसकी सत्ता के बिना फूल भी ना खिलता है जिसका सुमरण ही सभी
विघ्न भय निवारण है। भूल जाना जिसे सब दुखों का कारण। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा तो फिर अपना पता न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको पहचान 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 न पाया मैं तुमको। कहो तू सदा मेरे पास लेकिन तेरी पहचान और जब तेरा पता पाया तो मेरा अता पता नहीं बस तुझ में खो गया प्रभु बस तेरे अंग संग हो करके तेरे एकत्व में जो यदग्ने श्याम अहम त्वं वाखा स्या अहम स्योष्टि सत्या इहाशिष यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति विश्वं कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सख ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम। प्रभु हर पल तेरा प्रत्यक्ष करो मूर्त रूप में भी अमूर्त रूप में भी। आइए और गहरे ले चलते हैं। पहले उंगली माथे पर तीसरी उंगली पर ओंकार का नाद नासिका से भगवत शरणागति। आज्ञा चक्र में धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोग गीत
देवता में प्रवेश। कंप्लीट साइलेंस, भगवान के एकत्व में प्राणों के साथ प्राणों की आराधना करते हुए समाहित हो जाते। जितना प्राण दीर्घ होगा सूक्ष्म, उतना ही भगवान के साथ और अधिक एकाकार होता है। प्रभु, ब्रह्मांड में, पिंड में, रोम रोम में तू ही प्रभु, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही गुरु, तुम ही सुख, तुम ही सुख, तुम ही देवी, धन वैभव, जीवन का साधन साधन साथी प्रभु, तो तेरे अंग संग जीव। जैसे एक बालक मां की शरण में रहता है, प्रभु तेरे आश्रय में, तेरी छाया, एक एक क्षण तेरी निश्रा में, तेरा अनुग्रह पाओ, तेरी कृपा, तेरी कृपा जीता करो, तेरे प्रत्यक्ष परोक्ष स्वरूप मूर्त मूर्त स्वरूप सब स्वरूप तेरे ही स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप सब संबंध में तेरे ही स्वरूप, ब्रह्म रूप को सब सुखों में तेरे ही सुख, ब्रह्म सुख को सब ऐश्वर्यों में, भगवान मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दाता, तेरे ही ऐश्वर्य को ब्रह्म ऐश्वर्य बनकर सब कामों में ब्रह्म कर्म की अनुभूति तू ही, और ऐसे एक श्वास भी भगवान के एहसास के साथ लिया तो बस खो गए भगवान में, भगवान के लिए दो तीन मिनट से शुरू करके ये ध्यान 5-10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना, दोनों हाथों।